गाइस हम जा रहे हैं वेस्ट होने। ये देखिए यहाँ पे लोगों ने कितनी मन्नतें मांगी हुई है, पूरी दीवार चुटनियों से भरी है। अभी हमने चलना शुरू किया है, अभी 9:30 हो रहे होंगे। मैं आई कार्ड लेने के बाद हम जल्दी आपको दिखाएंगे आगे का सफर। अब हम आज हमारी यात्रा जो है वो स्टार्ट होने वाली है। जय माता दी, जय माता दी। पता नहीं कौन से पता नहीं का। चलते जाओ, अगर उठे जाना तो टाइम का बैठते जाना, घोड़े का ध्यान रखना, घोड़े बड़े तेज। डॉगी अपनी शक्ल दिखाओ, दिखाओ अपनी शक्ल, अपनी शक्ल दिखाओ, अपनी क्यूटी की शक्ल दिखाओ, अपनी शिंजरू की शक्ल दिखाओ, अपनी शक्ल दिखाओ। गर्मी बहुत ज्यादा है, हमें लगा था कि यहाँ के टेम्परेचर में फर्क होगा पर ऐसा नहीं है, इसलिए अब हम खा रहे हैं आइसक्रीम और मम्मा अभी तक नहीं आई हैं। गाइस वहाँ पे मसाज चेयर्स लगी हैं और लोग बॉडी मसाज ले रहे हैं। हाय, अभी भी हमें बहुत चलना है, हम थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक्स लेते रहते हैं। रास्ता बहुत दोस्तों, हमने फिर से एक ब्रेक लिया है, हम बहुत सारे ब्रेक्स ले रहे हैं। हमें पापा मिले थे और पापा अभी नीचे रुके हैं, वेट कर रहे हैं, और मम्मा हमें अभी तक नहीं दिखी है। और आवाज में जा रही होगी, हम ऊपर जाने वाले हैं। अभी सिर्फ आधा रास्ता कवर हुआ है और आधा रास्ता कवर करने में हमें 2 घंटे लगे हैं। अभी हमें 2 घंटा और चलना है। अभी हम चल रहे हैं, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, और अब हम अभी हम बहुत देर से कोई शॉप नहीं आई है, हमारे पास अभी पानी है। देखिएगा इस घोड़े के कान कैसे, गाइस हमने बर्गर भी लिया है। सो गाइस अब हम सीढ़ियों से जाने लगे हैं, लेट्स सी, आई जाओ ना। तो हम पहुंच चुके हैं शारदा भवन, अब हमें पता नहीं कहाँ से जाना है, लेट्स सी। जा रहे हैं नए वाले रास्ते से क्योंकि यहाँ चढ़ाई कम है और पुराने रास्ते में चढ़ाई ज्यादा है। सो दोस्तों क्या बताओ, देखिए अभी हम यहाँ पहुंचे हैं, देखिए वो सारे जो ब्लू ब्लू शेड्स हैं वहाँ से चढ़ के आए हैं। अभी हमें यहाँ से वहाँ तक पूरा रास्ता चलना है, फिर यही वाला ये जो पहाड़ है इसको हमने यहाँ से राउंड मार के फिर से वहाँ से यहाँ पूरा चलना है, उसके बाद हम देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचेंगे। गाइस अब हमने ये चीज़ सैंडविच लिया है जो कि 60 रुपीज़ का है, लेट्स सी कि कैसा है। गाइस ये देखिए अभी 2.5 किलोमीटर रहता है अभी भी, और ये फिर से एक लाइन आ चुकी है, लाइन खत्म ही नहीं हो रही चाहिए। और हमें बार बार, अब हम बहुत थक चुके हैं और मम्मा पापा तो बहुत पीछे हैं, पर चल रहे हैं बस। तो दोस्तों बहुत ज्यादा चलने के बाद भी अब आप यहाँ से देखिए अभी भी बहुत ज्यादा रास्ता बचा हुआ है, सो इट्स नॉट इजी। गाइस हम फाइनली पहुंचने वाले हैं और ये लास्ट लाइन रह चुकी है और वो वाइट है हमारा मंदिर, वो देखो। अब शायद ये आखिरी लाइन और वो मंदिर है, यहाँ हो सकता है ऊपर है, लेट्स सी। फिर से एक और लाइन आ गई है मंदिर तक पहुंचने के लिए। रास्ता एक जैसा, रास्ता इतना जैसा एक जैसा है कि नेस्कैफे भी बार बार आ जाता है, और इसमें लिमिटेड 4 ही चीज़ें हैं, वो है पिज्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग और सैंडविच। इसमें से 3 हम खा चुके हैं, पिज्ज़ा के अलावा 3ों। गाइस वहाँ नीचे भवन का रास्ता है और यहाँ से भैरव घाटी का रास्ता है, और आपको लग रहा होगा कि हम भैरव घाटी जा रहे हैं पर नहीं, अभी हमारे मम्मा पापा बहुत पीछे हैं इसलिए हम डोमिनोज जा रहे हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारी खाने पीने की शॉप्स मिल चुकी हैं, एक्सेप्ट दैट बोरिंग कैफे कॉफी डे। सो हम जैसे डोमिनोज जाने का सोच रहे हैं यार, यहीं पर है डोमिनोज नहीं ऊपर है, फिर चलिए हम देखते हैं। ये देखिए प्रशांत,
बंदे रुक के आए चल, लालच देख के दूसरी डायरेक्शन में आ चुके हैं। मंदिर एक अलग डायरेक्शन में, और यार ये तो चाय बड़ी एपेटाइजिंग लग रही है। आओ गुलाब, यहाँ तो सारी अच्छी अच्छी जगह है। डोमिनोज यार खुलिया ठीक कर लेते हैं, गंद बन चुके हम। तो गाइस अब हम डोमिनोज आ चुके हैं और बन चुका ऑर्डर जो है वो अभी ओवन में है। सो गाइस फाइनली हमें कुछ अच्छा मिल रहा है जो कि है एक डोमिनोज पिज्जा। देखिए गाइस कितना रश है अभी। हम वापस आपको लग रहा हो क्यों जा रहे हैं, कि मम्मा पापा ने उसी तरफ से आना है इसीलिए हम उस तरफ जा रहे हैं। और हमने चिप्स और मंच लिया है जो डबल प्राइस में है नॉर्मल रेट से, बट स्टिल ये देखो रश, पैर रखने की जगह नहीं है इधर। मंदिर तो अभी वहाँ आए और तब से हम ऐसे ही कुछ घूम रहे हैं और बस मस्ती कर रहे हैं। देखिए गाइस कहाँ है, कितना अच्छा लग रहा है। मम्मा भी पहुंच चुका था फाइनली, आज 5:30 बज रहे हैं, हमारी सुबह से शाम हो गई है सिर्फ चढ़ाई में। हमने सोचा था कि हम 2 बजे पहुंच जाएंगे, बट वी आर 3 आवर्स लेट। हमने तो आपने देखा ही है कितना ब्रेक ले लेके खा के आए हैं, अब हम जा रहे हैं। गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं, ये देखिए वैष्णो देवी। मैं लास्ट टाइम 10 साल पहले आई थी और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। यहाँ पे ही जा लेते हैं हम किसी को बोल के। माय गॉड सो मच रश, दर्शन करने के बाद हम वापस जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम उतर रहे हैं एंड इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। जैसे कि हमने सोचा था वंचु को उतरने में भी दर्द हो रही है, और अभी हमने जो शुरू ही किया है और चढ़ने में हमें 6 घंटे लगे थे, उतरने में 4 तो लग ही जाएंगे। 6:30 हो रहे हैं, मुझे लगता है 11 बजे तक पहुंच जाएंगे हम। ऐसे ही है ये तो। I want to share my experiences. That's right. So much tired. That please, Mata Rani, next time please call me by chopper. You mean a guard to walk? तेरे लिए रिश्ता आया है, लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है और MNC में काम करता है। हाँ। और सबसे बड़ी चीज तो इसकी फैमिली बहुत अच्छी, अपने जैसे शुद्ध शाकाहारी लोग। हाँ, MA भी किया हुआ है, जॉब भी अच्छी है। हाँ। तो मम्मी इसकी लोकेशन तो ये उत्तर प्रदेश बता रही है, वहीं के तो रहने वाले हैं। नहीं मम्मी, मैं उत्तर प्रदेश में शादी नहीं करूंगी। क्यों मम्मी, वहाँ के लोग बिल्कुल वफादार नहीं है। योगी जी ने कितना काम किया उनके लिए, कितना डेवलपमेंट किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी पूरे प्रदेश में कितनी गंदी हार मिली है। मना बोल दो इनको पहली फुर्सत से, और ये रीजन भी देना कि लड़की ने इसलिए मना बोला है। चलो ठीक है बताती हूँ, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 1.5 घंटा हो चुका है और लाइट्स भी ऑन हो चुकी है, पर अभी अंधेरा नहीं हुआ है पूरी तरह, पर अभी भी हम चल रहे हैं, हमारे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है। हम अभी यहाँ पे, और यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है क्योंकि दोस्तों अब रात हो चुकी है। ये देखिए रात को कितना सुंदर लग रहा है ना, सिर्फ लाइट्स ही लाइट्स को पूरा कट रहा है। लोग देखो बेचारे यहीं पे सो गए। ये बच्चू देखो बॉटल लेके घूम रही है, और अभी भी हम बस चल रहे हैं और चल ही रहे हैं। ज्यादा टाइम हमें लगे थे 6-7 घंटे, अब हम देखते हैं कि उधर तो टाइम कितना टाइम लगता है, फिर हम आपको बताएंगे। पुल होगा ऐसे लग रहा है ना, बच्चों को लेके जा रहे हैं। गाइस हमारे टांगों में पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो चुकी है, इसलिए अब हम अपनी मसाज करा रहे हैं। मसाज ऐसा लग रहा है कि पैरों में बहुत दुखी हो रही है, बीच में ऐसा लग रहा है कि पैर जोर से मरोड़ रहा है, कड़क की आवाज आई मुझे। हमारी फुल
रिकॉर्डिंग नीचे चलते चलते हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। माय गॉड, ये घोड़े बहुत ज्यादा हाई स्पीड से आते हैं और हम गधे भी आ चुके हैं। हम गधे भी आ रहे हैं, बहुत दर्द है यार, हमारे पैर में बिल्कुल भी नहीं चले जा रहे हैं और हम बस थोड़ा रास्ता रह गया, अब हम बस पहुँच जाएंगे। देखना आंटी ने गॉगल पहनी है। हाय राम, वी आर ऑलमोस्ट देयर। जाते जाते क्या हालत हो गई है। वी आर सो ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए पर हमारी अप डाउन में बिल्कुल दम नहीं रहा। झटके खाते खाते बहुत बहुत दम है। बस करो ना, झटके खाते खाते हम जा रहे हैं। अपने आप को गैस लाइट करते रहो जब तक कर सकते हो। एग्जिट वर्ड हमने देखा, उसके बाद हमें खुशी हो चुकी है, फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वैष्णो देवी ट्रिप का भी एंड हो चुका है और अब हम वापस अपने घर जाने वाले हैं। ऑटो में नहीं, ऑटो के बाद गाड़ी में।